मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को कार्यवाही शुरू होते ही नर्सिंग घोटाले पर चर्चा की मांग लेकर हंगामा तेज हो गया। वित्त मंत्री विपक्ष के शोर शराबे के बीच बजट पेश करते रहे। सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया। इस बार बजट 3,65,067 करोड़ रुपए का है, जो पिछले बजट से 16% अधिक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट इंदौर उज्जैन 6 लेन सड़क का टेंडर मंजूर हो गया। राजस्थान की कंपनी इसे 623 करोड़ रुपए में बनाएगी। बारिश के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। इस 6 लेन सड़क का काम कंपनी को 24 महीने में पूरा करना होगा। बता दें 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा थी। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सांसद कमलजीत शेरावत और सांसद बासुरी स्वराज ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सदन में झूठ बोलकर झूठा प्रचार कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अग्निवीर योजना और एमएसपी को लेकर किसानों और युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद हुई भगदड़ में अब तक 122 लोगों की मौत की पुष्टि। 4 जिलों अलीगढ़, हाथरस, एटा और आगरा में रात भर शवों का पोस्टमार्टम हुआ। परिजन अपनों की लाश को लेकर इधर उधर भटकते रहे। प्रशासन ने अब तक 121 मौतों की पुष्टि की है। हादसे पर प्रशासन की पहली रिपोर्ट सामने आई। इसमें कहा गया कि हादसे भोले बाबा के चरणों की धूल लेने की वजह से। हाथरस घटना पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि घटना दुखद है। पीएम मोदी ने कल अपने भाषण के दौरान बीच में ही शोक व्यक्त किया। जो भी भारत सरकार और राज्य सरकार से संभव होगा वो मदद की जाएगी। किन कारणों से ये घटना घटी उसकी जांच की बात की गई है और इस घटना में शामिल होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। पन्ना जिले में भारत का तीसरा ग्लास ब्रिज बनने वाला है। जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर ग्राम ब्रजपुर में बृहस्पति कुंड जलप्रपात पर बहुत जल्द ग्लास ब्रिज बनने वाला है। जानकारी के अनुसार टेंडर हो चुका है। ग्लास ब्रिज के निरीक्षण के लिए इंजीनियर मौके पर पहुंचे। बृहस्पति कुंड एक देवी स्थान है जहाँ पहले ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे और राम। बिलासपुर में लापता 24 दिन की मासूम का शव घर के सामने मौजूद कुएं में मिला। पुलिस ने मासूम बच्ची की हत्या की आशंका जताई। मामला मस्तूरी ब्लॉक के गांव किरारी का है। डीएसपी उदयन बिहार ने बताया कि रविवार की देर रात 24 दिन की बच्ची अचानक गुम हो गई थी, जिसकी जानकारी परिजनों ने मस्तूरी पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। फरुखाबाद में डॉक्टर एचपी श्रीवास्तव के घर पर बाथरूम में नौकरानी का शव फंदे पर लटका मिला, जिसके बाद से ही महिला जमकर तूल मामला जमकर तूल पकड़ रहा है। मृतका की मां की तहरीर पर पुलिस ने चिकित्सक दंपति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। इस मामले को लेकर भीम आर्मी और कठुरिया समाज ने प्रदर्शन कर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। लक्सर के बहादुरपुर में जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने कोतवाली के सामने शव रखकर चक्का जाम किया और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने की मांग पर अड़े रहे। किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा कि बाजार चौकी इंचार्ज अंशुल अग्रवाल गुंडा बदमाशों के दोस्त हैं, जिसकी वजह से लक्सर में शांति व्यवस्था बिगड़ रही। अलीगढ़ के जवा थाना क्षेत्र में घर में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया, जहां दबंग ने एक घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की। इस मामले में केस भी दर्ज हो चुका है, लेकिन आज पीड़िता ने एसएसपी से शिकायत की कि दरोगा ने पंजीकृत मुकदमा से आरोपी का नाम हटा दिया। साथ ही पीड़ित ने मांग की है कि जांच के लिए केस दूसरे थाने को सौंप दिया जाए। मथुरा में छाता थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम की हत्या के आरोपी से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से हत्या की घटना में उपयोग की गई अवैध हथियार, कारतूस और एक बाइक बरामद की है। फिलहाल घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नरसिंहपुर में चोरी के शक में एक युवक को उल्टा लटकाकर तालिबानी सजा दी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वीडियो में कुछ लोग युवक को घर में उल्टा लटकाकर बेरहमी से पिटाई करते दिख रहे। वायरल वीडियो चीचड़ी ब्लॉक के बारहा बड़ा गांव के पास का बताया जा रहा। पुलिस ने मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और एक नाबालिग आरोपी अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। फतेहपुर की खागा तहसील के तत्कालीन उपजिलाधिकारी पर बड़ी कार्रवाई की गई। उपजिलाधिकारी ने किसानों की समस्या का निस्तारण नहीं किया, वहीं किसानों को अपमानित किया और किसानों ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एसडीएम को निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में एसडीएम आयुक्त और सचिव राजस्व परिषद के लखनऊ कार्यालय से संबंधित।
उधम सिंह नगर के जिला आबकारी अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा को विजिलेंस की टीम ने 70,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। रिश्वतखोर जिला आबकारी अधिकारी ने बकाया अधिभार की आड़ में शराब ठेकेदार से रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत ठेकेदार ने विजिलेंस में की। विजिलेंस की टीम योजनाबद्ध तरीके से जिला आबकारी अधिकारी को रिश्वत देते दबोच लिया। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन महादेव सचा ऐप से जुड़े लोटस 444 बुक के पैनल का संचालन करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस की टीम ने हैदराबाद में एक किराए के मकान में छापेमारी की। एक नाबालिग समेत 8 लोगों को ऑनलाइन सचा के पैनल चलाते रंगे हाथ पकड़ा। वहीं एक अन्य आरोपी भागने में घायल हो जाने से हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती है। भिलाई के एक मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बांग्लादेश से लाई गई अफीम पकड़ाई गई। तस्कर इसे शहर के बड़े होटलों और क्लब में सप्लाई करते थे। पुलिस ने बताया कि ये अफीम पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश से लाई जाती थी। पुलिस ने तस्कर से 3 किलो 200 ग्राम अफीम और 3,23,000 कैश बरामद किया। आरोपी तस्कर से पूछताछ जारी है। हरदोई के बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में खाद व्यापारी से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। दरअसल दो बाइक सवार बदमाश खाद व्यापारी से मॉर्निंग वॉक के दौरान चेन लूटकर फरार हो गए थे, जिसके बाद व्यापारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लूट करने वाले दोनों बदमाशों को बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। भानपुरा पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 लुटेरों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल एक व्यक्ति भारत सिंह रात में खेत से आ रहा था। इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने उससे 4,000 रुपए और बाइक लूटकर फरार हो गए थे। फरियादी ने पुलिस को लूट की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को ओसारा नीम थुर रोड से गिरफ्तार किया। चंपावत के टनकपुर पुलिस ने महिलाओं को झांसा देकर उनके जेवरात छगने वाली महिलाओं के गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग की 4 महिलाओं को गिरफ्तार कर उनके पास से 1.5 लाख रुपए का माल बरामद किया। दरअसल बीती 22 जून को कुछ महिलाओं ने छीनी गोट गांव की महिलाओं को झांसा देकर उनके जेवरात छग लिए थे। महिलाओं ने थाने में ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। बरेली पुलिस शातिर लुटेरे सोनू को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। उसके पैर में गोली लगी है। वहीं 2 अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। घटना सुबह तड़के की बताई जा रही। बता दें कि 3 लुटेरों ने 28 जून को तमंचे की नोक पर चेन अंगूठी और नकदी लूटकर फरार हो गए थे। तभी से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। रायगढ़ के चक्रधर नगर चौक में स्थित एक ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात हुई। दुकान के संचालक नटवर अग्रवाल ने बताया कि रोज की तरह 2 महिला कर्मचारी सोने चांदी के गहनों से भरा बैग लेकर घर जा रही थी। इसी दौरान 2 बदमाश बाइक पर आए, लड़की को धक्का दिया और थैला छीन कर भाग निकले। इसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जांजगीर चांपा में चोरों ने सराफा व्यापारी की दुकान से हाथ साफ कर लिया और लाखों रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए। मामला कोटमीत सोनार गांव का है, जहां बीते रात चोरों ने सराफा व्यापारी की दुकान का ताला तोड़कर 5 से 6 लाख रुपए के जेवरात चोरी कर लिए थे। व्यापारी ने बताया कि उन्होंने सुबह देखा तो दुकान का सारा सामान बिखरा हुआ था। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी। हाथरस की घटना को लेकर अमेठी के संत मौनी स्वामी ने दुख जताया। उन्होंने बाबा पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो शख्स दुष्कर्म जैसे मामले का आरोपी हो वो संत नहीं हो सकता। बाबा पर पहले से ही 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मौनी बाबा ने हादसे के दोषी बाबा पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। फरुखाबाद के मिर्जापुर थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार युवक घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को सीएचसी जरियनपुर में भर्ती कराया, जहां भाजपा नेता की भतीजे आदेश की हालत गंभीर होने पर उसे लोहिया अस्पताल लेकर रेफर कर दिया, जिसके बाद उसे लोहिया अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने आदेश। महोबा में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसा खरेला थाना क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुआ। बताया जा रहा कि श्रद्धालु सैदपुर गांव से काकुन गांव के हनुमान मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 38 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर। लखनादौन के परासिया बंजारी के पास एक तेल से भरा टैंकर नेशनल हाईवे रोड पर पलट गया और रोड पर तेल बह गया, जिससे एक बाइक फिसल गई। बाइक सवार 2 लोग नीचे गिर गए। उन पर पीछे से आ रहा ट्रक चढ़ गया और दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आधे गांव पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई।
सहारनपुर में सड़क निर्माण कार्यों के लिए खनन सामग्री लेकर पहुंचा डंपर अचानक बिजली लाइन की चपेट में आ गया, जिससे ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल नकुड़ थाना क्षेत्र के एक गांव में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था, जैसे ही खनन से भरा डंपर सामग्री उतारने लगा तो अचानक पास से गुजर रही हाई वोल्टेज विद्युत लाइन की चपेट में आ गई। संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बेमेतरा के सिग्नल चौक में पुतला दहन किया। पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, ऐसे बयान देने वाले नेता की संसद की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है, शांति है, तभी यह देश धर्मनिरपेक्ष। जांजगीर में बजरंगबली की प्रतिमा से तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया। असामाजिक तत्वों द्वारा बजरंगबली की प्रतिमा दूसरी बार खंडित की गई। पुलिस तब से आरोपियों को पकड़ नहीं पाई थी, जिससे नाराज सर्व हिंदू समाज के संगठनों ने आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। रायबरेली में जलभराव और संक्रमणों के रोकथाम के लिए जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बैठक की। बैठक के दौरान नगरपालिका, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग को जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य सुरक्षा विभाग को बरसात के मौसम में कटे फटे फल और मिलावटी खाद्य सामग्री के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड सरकार के आपदा प्रबंधन उपाध्यक्ष विनय रोहेला जसपुर दौरे पर रहे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं उन्होंने क्षेत्र की जनता से उनकी समस्याओं के बारे में जाना, साथ ही संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर उनकी समस्याओं के समाधान करने की बात कही। आपदा प्रबंधन उपाध्यक्ष ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि 5 जुलाई को कुमायूं दौरे पर। श्रावस्ती जिले में बाढ़ आपदा को लेकर डीएम अजय कुमार द्विवेदी सक्रिय हुए। डीएम लगातार नदी बांध तटबंध का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में डीएम ने राप्ती बैराज और मधवापुर घाट का औचक निरीक्षण कर जायजा लिया और पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ ही बाढ़खंड और संबंधित अधिकारियों को बाढ़ निरोधी कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। पीलीभीत में पहली बारिश में बीसलपुर बरेली नेशनल हाईवे धस गया, जिससे यातायात बाधित रहा। सीमेंटेड ईंट से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क में फंस गई, जिससे कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। वहीं जानकारी लगते ही नेशनल हाईवे की टीम ने मौके पर पहुंचकर सड़क की मरम्मत का काम किया। आपको बता दें कि खटुआ सामग्री से बनाई गई सड़क पहली बार में ही धस गई, जिसकी चर्चा अब हर जगह। सूरजपुर जिले के प्रेमनगर में शाला प्रवेश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक भूलन सिंह मरावी ने शिरकत की। वहीं विधायक ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को संस्कारिक कैसे बनाया जाए, ये शिक्षकों की जिम्मेदारी है। ललितपुर में वन महोत्सव के अंतर्गत जीजीआईसी कॉलेज में पौधारोपण किया गया, जिसमें पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के क्रम में डीएफओ की सभी टीमों ने पेड़ लगाए। वहीं उन्होंने बताया कि जनपद में 87 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सभी जगह पर पौधारोपण करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। शेयर बाजार ने आज लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 80,039 और निफ्टी ने 24,292 का लेवल छुआ। अभी सेंसेक्स 300 अंक की तेजी के साथ 69,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 100 अंक से ज्यादा की तेजी है, ये 24,250 के स्तर पर कारोबार कर रहा सेंसेक्स के 30 शेयर। आज से जियो और एयरटेल के रिचार्ज 25% तक महंगे हो गए। दोनों कंपनियों ने 27 और 28 जून को टैरिफ दरों में बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी, जो आज से प्रभावी हो रहा है। आज से जियो के 239 रुपए वाले प्लान की कीमत अब 299 हो गई। वहीं एयरटेल का 179 रुपए वाला सबसे किफायती रिचार्ज अब 199 का हो गया। केंद्र सरकार ने जीएसटी का डेटा रिलीज करना बंद कर दिया। जीएसटी लागू होने के बाद सरकार हर महीने की पहली तारीख को इसका डेटा जारी करती थी। 74 महीने से ऐसा किया जा रहा था। केंद्र की ओर से मासिक डेटा जारी करना बंद करने का कोई कारण नहीं बताया गया। सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देशभर में जीएसटी लागू किया था। टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने वाली टीम इंडिया की बारबाडोस से रवानगी में देरी हो गई है, क्योंकि चार्टर्ड फ्लाइट अभी यहां नहीं पहुंची। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिससे टीम को वापस भारत आना है, उस एयर इंडिया की स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट का नाम एयर इंडिया चैंपियंस 24 वर्ल्ड कप है। टीम इंडिया गुरुवार सुबह 6 बजे तक दिल्ली पहुंच सकती है। टीम के ब्रिज टाउन से सीधा दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है।
भारतीय टीम को 6 जुलाई से शुभमन गिल की कप्तानी में जिम्बाब्वे के दौरे पर 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है, जिसको लेकर टीम का ऐलान बीसीसीआई की तरफ से काफी पहले ही कर दिया गया था। वहीं अब इस सीरीज के पहले 2 मैचों के लिए टीम में 3 और खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इसमें जितेश शर्मा, हर्षित राणा और साई सुदर्शन का नाम शामिल। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने हाल ही में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है, जहां एक तरफ एक्ट्रेस ने 7.84 करोड़ रुपए में मुंबई के अंधेरी वेस्ट में 3 रेजिडेंशियल फ्लैट गिरवी रखे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने मुंबई के जुहू में 5 साल के लिए एक कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर ली है। रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक तमन्ना ने 6,065 वर्ग फीट। भारत के बिजनेसमैन टाइकून मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी जल्द ही राधिका मर्चेंट से शादी करने वाले हैं। शादी की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, जिसके लिए सोने चांदी से बना वेडिंग कार्ड भी बटना शुरू हो चुका है। अनंत राधिका की शादी से पहले अंबानी परिवार ने एक सामूहिक विवाह करवाया, जिसमें उन्होंने अपने खर्च पर एक बड़े स्तर पर जरूरतमंद लोगों की शादी करवाई। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में अब सिर्फ 10 दिन ही रह गए हैं। कपल 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधेंगे। ये शादी समारोह मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में होगा, जिसमें देश और दुनिया के कई नामी लोग शामिल होने वाले हैं। अब सुनने में आया है कि इसमें अडेल, ड्रेक और लाना डेल रे जैसे इंटरनेशनल सेलेब्स परफॉर्म करेंगे। सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल के साथ रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तस्वीरें दोनों के हनीमून के दौरान ली गई हैं। हालांकि दोनों कहां वेकेशन मना रहे हैं, इस बात की जानकारी अभी सामने नहीं आई। मंगलवार की शाम सोनाक्षी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में जहीर के साथ स्विमिंग पूल में चिल करते हुए तस्वीरें शेयर की हैं। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने काम में से थोड़ा ब्रेक ले लिया है। वो ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट बीच पर वैकेशन एंजॉय करती दिखी। उन्होंने फैमिली के साथ समय बिताया और समंदर किनारे रिलैक्स किया। सोशल मीडिया पर उनके इस वैकेशन की फोटोज वायरल है। इस बीच वैकेशन पर प्रियंका अपनी बेटी मालती मैरी और पति निक जोनस के साथ थे। मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन गुजरने की वजह से मौसम के 2 सिस्टम एक्टिव, इसी वजह से आंधी बारिश और गरज चमक की स्थिति बनी हुई है। गुना, अशोकनगर समेत 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। भोपाल, इंदौर समेत पूरे प्रदेश में मौसम बदला रहेगा, कहीं बारिश होगी तो कहीं बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक कई जिलों में तेज बारिश और आंधी चलेगी। यूपी के मॉनसून एक्टिव हो चुका है। लखनऊ, मथुरा समेत 5 शहरों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज 67 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। बिजली भी गिर सकती है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी। पारा 4 से 5 डिग्री नीचे आएगा। आने वाले 7 से 8 दिनों तक पूरे प्रदेश में बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन सरगुजा और बिलासपुर संभाग में भारी बारिश के आसार। रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के जिलों में अगले 3 दिन हल्की और कम बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। प्रदेश के बाकी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। झारखंड के 14 जिले में आज और गुरुवार को भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य के अधिकतर जिलों में मंगलवार की सुबह से ही झमाझम बारिश हुई है। पूरा राज्य अब मानसून एक्टिव है। मौसम विभाग के मुताबिक एक ट्रफ बन रहा है, जो उत्तरी पंजाब से मिजोरम की ओर जा रहा है, जिसका असर झारखंड में भी दिख रहा है। चंडीगढ़ में दूसरे दिन लगातार रुक रुक कर मानसून की बारिश हो रही है। इससे सेक्टर 17, बस स्टैंड और अरोमा लाइट पॉइंट के बीच में हल्के जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से लोगों को वहां से धीमी गति में निकालने की सलाह दी गई है। चंडीगढ़ में मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक बारिश की संभावना जताई। इसमें तेज हवाओं के साथ गरज चमक और होने की संभावना है।